हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे आप सबको ऑल सू के एवेटर्स एंड ऑल सू के स्प्राइजन एंड उसके सारे बेबलेट। सो लेट्स गो गाइस, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 3, 2, 1। इट इज टॉम स्प्राइजन। ये बेबलेट बस सीरीज का है, ये बेबलेट बस सीरीज का है और इसे देखिए कितना मस्त लगता है, देखिए। और अब हम अगला दिखाते हैं लेजेंड स्प्राइजन बेबलेट बस्ट एवोल्यूशन का। ये है लेजेंड स्प्राइजन। ये देखो ये रेड आई का था, आप सबने देखा होगा तो आपने पहचान ही लिया होगा। अब हम आपको इस सीजन का ही बेबलेट बस्ट एवोल्यूशन का ही स्प्राइजन रैक्वेम दिखाते हैं। ये देखिए, ये है स्प्राइजन रैक्वेम। आपने ये सीरीज़ देखी होगी तो इसी स्प्राइजन रैक्वेम ने बहुतों के बेबलेट तोड़े हैं। मैं 2-3 के लोग के नाम बता देता हूँ। लुई वॉल्ट नॉक्टमस का तोड़ा था, जिसका ट्रेनर का नाम है नॉर्मन। ये मैंने 2-3 बेबलेटर्स के नाम बता दिए। अगली वीडियो में हम इसका बनाएंगे तो हम बता देंगे। यह बेबलेट बस टर्बो का नेक्स्ट स्प्राइजन। इसका नाम है चौजो स्प्राइजन। दिखने में बहुत कूल है और इसने बहुतों को हराया है। और अब हमें अभी 4th सीज़न के लॉर्ड स्प्राइजन की फुटेज नहीं मिली है, इसलिए हम सीधे अभी 5th सीज़न वर्ल्ड स्प्राइजन का दिखाएंगे। यह वर्ल्ड स्प्राइजन 5th सीज़न का। इसने एक बार लेन को भी हराया है और बहुत बुरी तरीके से हारा था, और फिर उसकी नेक्स्ट मैच में बस ये जीतने वाला था। फिर लूसीफर ने फिर लेन ने नया बेबलेट बनाया था अपना, एक और लूसीफर, इसलिए वो हार गया था। यह है 1st सीज़न का बेबलेट बस्ट का सू कैरोनाइस टॉम स्प्राइजन के साथ। और अब हम अगला सू को दिखाते हैं, और ये है बेबलेट बस्ट एवोल्यूशन का रेड आई और अपने लेजेंड स्प्राइजन के साथ। अब हम बेबलेट बस्ट टर्बो का दिखाते हैं। ये बेबलेट बस्ट टर्बो का सू है और इसके साथ हाथ में इसका चौजो स्प्राइजन है। अब हम नेक्स्ट दिखाते हैं 5th सीजन का। ये है सू करना है अपने वर्ल्ड स्प्राइजन के साथ। और अब हमारी ये वीडियो ख़त्म हो। अभी हम इसको कोलाज मेकर के साथ भी दिखाते हैं। यह है 1st सीज़न का सू कैरोनाइ और अब हम 2nd सीज़न एवोल्यूशन का दिखाते हैं सू कैरोनाइ। ये अभी ईवल बन चुका है रेड आई, और फिर अब हम दूसरा रेड आई दिखाते हैं। ये है दूसरा रेड आई। ये रेड आई जब वॉल्ट से हार गया था तब ये नॉर्मल सू कैरोनाइ बन गया था। अब हम सू कैरोनाइ टर्बो का दिखाते हैं। ये है नॉर्मल सू कैरोनाइ। ये जब एविल से हट चुका था, अब हम सीधे 5th सीज़न का दिखाते हैं। ये टर्बो सीज़न का है। अब हम 5th सीज़न का दिखाते हैं स्पार्किंग। ये है स्पार्किंग का सू, और ये इसने बहुत सारे बेबलेडर को हराया है। और ये सू डीबी का है। इसके पास अभी फ्लेम स्प्राइजन है, पर अभी इसकी एंट्री दिखाई नहीं है, क्योंकि डीबी डायनामाइट बैटल का अभी 13-14 एपिसोड ही वो जापान में बने हैं अभी तक। ये है सू कैरोनाइ और ये है स्टॉर्म स्प्राइजन। ये है रेड आई अपने लेजेंड स्प्राइजन के साथ। ये है स्प्राइजन रैक्वेम और ये है सू कैरोनाइ। ये है रेड आई अपने स्प्राइजन रैक्वेम के साथ, और ये है सू कैरोनाइ 5th सीज़न का अपने वर्ल्ड स्प्राइजन के साथ। सू बोल रहा है आपसे इस वीडियो को लाइक करना। सू मेरा दोस्त है, वो अमेरिका में रहता है। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ओके, बाय गाइज़।